क्या है, क्या देखते हो आप, किस तरीके क्या मुसलमानों का क्या कर दिया? मोदी सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास, क्या विकास कर दिया कि मुसलमानों के लिए कुछ दे दिया बजट में? मुसलमानों को सिर्फ मारा जा रहा, क्या मतलब कैसे, जहाँ चाहते वहाँ कोई भीड़ में मार दे रहा, कहीं कुछ कर दे रहा है। अच्छा, ये मदरसों के लिए बजट दिया है, क्या मदरसों का, मदरसों का आज तक कोई कुछ होगा, आज तक क्या दे दिया मदरसों के लिए? बड़ी बड़ी बातें हैं, बातों के अलावा कुछ किया है? सिर्फ सिवाय जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। मेट्रो के लिए, मेट्रो से हमको क्या फायदा? हम तो मेट्रो में चल नहीं पाएंगे, इतना पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से चल पाएंगे मेट्रो? मजदूर का मेट्रो नहीं, मजदूर आदमी क्या चल पाएगा मेट्रो में? भाई आदमी हम कितने 50 रुपए रोज कमाते, 50 रुपए में क्या हो जाता? कम से कम गरीब आदमियों के लिए कुछ तो भला करा जाए, कि भाई उनके लिए राशन की व्यवस्था हो जाए सही, खाने पीने के लिए कहाँ मिलता लोगों के पास? मुसलमानों के पास तो कार्ड तक नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं है। बहुत बढ़िया, बजट से कोई फायदा नहीं है। देखिए अब चुनाव आने को है, तो उन्होंने पहले से प्रोग्राम रखा है कि हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो तो जरूरत है, वो तो जरूरत की चीज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन मजदूर को, आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है ये बताएं। मोदी ने शुरू में कहा था अच्छे दिन आएंगे, इतने साल हो गई अच्छे दिन नहीं आए, खाते भी खुलवाए, इतने पैसे जाएंगे, कोई कहता 2.5 लाख मिलेंगे, कोई लेगा ये 2,000 रुपये महीना मिलेगा, 2,500 रुपये महीना मिलेगा गरीबों को, और जो बेकार लोग हैं, जो काम नहीं कर सकते, तो विकलांग हैं, विकलांग को वो भी कुछ नहीं मिलता। अभी गाय के बारे में इतना बवाल खड़ा करा, और गौशाला अभी भी सड़क पे, अभी किसानों के लिए 6,000 रुपये आ रहे हैं, और ये माल्या रुपया 9,000 करोड़ लेके भाग गया, और भी लोग भागे, उनके लिए इतना रुपया है, किसानों के लिए वो 6,000 है, 17 रुपये रोज के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ज्यादा होना चाहिए किसानों का, देखिए अन्नदाता होता है किसान। गायों के लिए अभी उन्होंने गौशाला बनाई है, जो भी ना मुसलमान के लिए है, ना किसान के लिए है, ना रोजगार के लिए, जो रोजगार नौजवान घूम रहे हैं, ना उनके लिए बजट में तो कुछ है ही नहीं, खाली बीजेपी का बजट है जी। वो प्रधानमंत्री भाई राहुल गांधी बनना चाहिए, राहुल गांधी अच्छा है, और कांग्रेस ने ही विकास किए, बीजेपी ने तो विकास के नाम धोखे दिए। हमारे सही कह रहा हूँ, तो मतलब ऐसा है कि जो बजट बन के आ रहे हैं इनके, कि इतना पैसा मिलेगा, इतने नहीं मिलेंगे, 5 पैसे नहीं मिल रहे, सच की बात तो ये है। तो फिर सरकार आपके नज़र में कैसी चल रही है? सरकार तो सही चल रही है, मगर पैसा जो भक्ति दे देते बुढ़े आदमियों को, तो पैसे मिलेंगे, 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे। जो बात मुंह से वो निकालते हैं, जो उसमें देते हैं टीवियों में, उसमें वो पूरा करें तो सच्ची है उन्हें सब करते। देखिए सरकार तो मोदी जी अभी चला रहे हैं, हालांकि ठीक ही चला रहे हैं, समझे, और उसके साथ साथ कुछ जो परेशानियां लोगों को हैं, वो लोगों का कहना है कि मतलब ये सारी सुविधाएं हमको होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई सा भी हो भाई, दुकानदार व्यापारी सब सुविधा चाहते हैं बस। मोदी जी की सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मोदी जी सरकार को हम 50% नंबर दें, 10 में से 5 नंबर। कोई भी, हर वर्ग का हर आदमी परेशान है, अंदर उसके झांक के दियो को देखिए, कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, अंदर उसके झांकिए क्या तकलीफ है क्या नहीं है। केवल एक ताली बजा दी, एक टच कर दिया मुस्लिम भाई पे, किसी से भी आप उसी पे ही कुछ, जो कट्टरबंदी रहेंगी वो ज़्यादा देश को माहौल खराब की। मैं चाहता हूँ एक साथ रहें, अरे सरकार रही बीच 10 में से कितने अंक दोगे मोदी सरकार में, कितने नंबर दोगे 10 में से? मेरे ख्याल में हम, हमारे पास तो कोई अंक नहीं, जीरो उनके लिए, जी। और ये क्या कुछ और भी होना चाहिए मुसलमानों के लिए? और भी कुछ सोचना चाहिए, खाली मदरसे से कुछ नहीं होता है, मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए मुसलमानों के लिए योगी जी को काफ़ी सोचना चाहिए और बेहतर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जैसे कि क्या, मुसलमानों में बेरोजगार बहुत है और मुसलमानों में गरीबी बहुत है, इस पे इनको एक कानून बनाना चाहिए, जो गरीब हैं गरीबों को नौकरी मिले, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीना, महिलाएं जो घर पर रहती हैं विधवा हैं वो कमाएं, कुछ ऐसा। जी मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। अच्छा, ये अभी जो बजट आ रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, कैसा बजट रहा, क्या है? ठीक है, चुनावी बजट है और आगे और भी बेहतर आए तो बढ़िया है। तो
ये वैसे चुनावी मौसम का बजट है, तो चुनावी मौसम में तो केंद्र भी और राज्य सरकार भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए दोनों जगह ही बजट बढ़िया आएगा, लेकिन चुनाव के बाद भी ऐसा बजट आए तो और बेहतर है। ये देखिए सपा और बसपा का जो गठबंधन है, ये जो है एक जब तक अखिलेश जी मायावती के आगे घुटने टेकते रहेंगे जब तक ये गठबंधन चलेगा, वरना जिस दिन अखिलेश जी घुटने टेकना बंद कर देंगे उस दिन ये गठबंधन खत्म हो जाएगा। और ये चुनावी गठबंधन है, इसके बाद कोई गठबंधन नहीं, एमएलए के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं चलेगा, ये सब अलग अलग लड़ेंगे, ये एमपी के चुनाव में गठबंधन है सर, तो अपनी साख बचाने के लिए। फिर दोबारा मोदी जी दोबारा आएंगे, अच्छा। दोबारा आएंगे।